इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरु जी से पूछा, प्रभु ने पूछा, मुनि शिला प्रभु देखिए। बोले गौतम नारी शाप बस उपल दे, अरे कृपा करहु रघुवीर। परमात्मा ने कृपा कर दिया, गौतम जी की अर्धांगिनी माँ अहल्या जी को परम स्वरूप सुंदर स्वरूप प्राप्त हुआ। बोले रघुनाथ जी महाराज की। और अब एक मूल बात इस प्रसंग में है, माँ झरझर नेत्रों से, अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान से प्रार्थना करती हैं, प्रभु जिन सिर चरणों से गंगा जी प्रकटी, शिव जी ने शीश पर पधराया, आज वही चरण प्रभु ने हमको स्पर्श कराया, हे ठाकुर आप ऐसी कृपा करिए कि मेरा मन आपके इन्हीं चरणों में लगा रहे। नाथ न मांगूं परयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे प्रगट भई शिव शीश धरि, सोई पद पंकज जेहि पूजत यज, मम सिर धरे हो विभाग जेहि भांति सीधा, गौतम नारी बार बार हरि चरण परी, जो पति मन बावा सोबर पावा, गे पति रो अनंद भरी, जो अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित तुलसीदास सठ तेहि भजो छाड़ कपट। अस प्रभु जीव को करुणा करने कृपा, जीव करुणा क्या करेगा? जीव कृपा करने के लिए हेतु साधता है, लेकिन भगवान अकारण करुणा करते। देखो आप, आपको जिस जीव में अकारण करुणा दिखाई पड़े ना, समझ लेना ये भगवान के अति निकट है। हमसे निकट तो है ही, क्यों? अति करुणा है। बिना भगवान की कृपा के करुणा के निकटता प्राप्त नहीं होती, करुणा होती ही नहीं है। और प्रभु गुरुदेव भगवान कहते हैं, उनकी करुणा, उनकी करुणा, उनकी करुणा, उनकी प्रभु की करुणा में कोई कमी है नहीं,
पात्रता में हमारे कमी रहे, पात्रता में हमारे कमी रहे। हम पल पल जा रहे हैं, जी रहे हैं, हवा हवा ले रहे हैं, आनंदित हैं, ये भगवान की करुणा है। नहीं तो इसी समय, ठीक इसी समय 7:13 पर कोई चला गया होगा। हर मिनट आदमी मरता है और हम हैं, करुणा नहीं है, हम हैं। अरे हम भगवान की करुणा मानते ही नहीं। हम पल पल जग रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम चाहे जो खा रहे हैं, अंदर बैठे भगवान वैश्वानर उसको पचा रहे हैं। हम कहते हैं कोई करुणा ही नहीं है। हम क्या क्या खा जाते हैं साहब, जानते हैं? एक दिन भोजन पर बैठे थे तो मैंने सोचा, काफी देर तक मैं बैठा रहा, भोजन देखता रहा। बच्चे बोले पापा खाइए। मैंने कहा मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे? जाके अपनी माँ को बोले पापा देख रहे हैं, भोजन खा नहीं रहे। मैंने कहा मैं ये देख रहा हूं कि मैं खाना चाहता हूं कि मेरा मुंह खाना चाहता है। भोजन बड़ा सुस्वादु बना था। मैं देखता हूं कि यदि नहीं खाता हूं तो हमारे शरीर के अंग क्या क्या सोचते हैं, जानते हैं? हम खाना चाहते ऐसा नहीं है, हमारी आंखें खाना चाहती हैं। दिखाई बड़ा तेन देवा हो का देवा पूजा के हो? अच्छा कोई बात नहीं, पूजा की बात दे दिया, आंख ने खा लिया। बगल में रसोई चल रही है, कदाचित पकौड़ी या समोसा छन जाए। पकौड़ी है कथा में, कुछ बना था, जीभ ने अपना प्रोग्राम फिट कर दिया, नाक ने सूंघा, संवेदना गई, जिह्वा रसमय भई। अर्थात हम नहीं खाते, हमारे अंग इंद्रियां खाती हैं। सोचिएगा, अरे हद तो तब होती है जब पेट भरा होता है, तब वो जीभ कहती है अच्छा ये को ले आओ, तब मन तो नहीं के। जिह्वा ने खा लिया, उसको ये चिंता नहीं कि पेट का क्या होगा, जगह नहीं है। हमारे लाला जी बिल्थरा, लाला जी हमारे, लाला केदारनाथ जी बिल्थरा रोड, यदि रसगुल्ला रखा है और आपने पूछ दिया भले भोजन किए हैं, ले आई राजा की सवारी के जगह मिल जाले, पेट भरा तब खा ले। लाला जी अभी तो आप कह रहे थे नहीं खाएंगे, अरे सरकार आप आई तो जगह अपने आप लोग खाली कर देते। यानी हम नहीं खाते, हमारी जीवा, हमारे नेत्र, हमारा जो गंध इंद्रिय है, देखिए क्या गति है जीव की। ओ और इतने संभलना है। फिर हमने उसका भाव रखा, ये समझिए समझिए, हम खाते हैं, इंद्रियां खाती हैं। महाराज भर्तृहरि कहते हैं वयम न भोगता वयमेव भोगता, मैंने नहीं भोगा, भोग ने हमको भोग दिया। इसलिए पूज्य पाद गोस्वामी जी कहते हैं बुझे न काम यज्ञ तुलसी कहूं विषय भोग बहु गीते, विषय भोग बहु गीते। कामनाओं की अग्नि बुझने का नाम नहीं लेगी। जितने विषय आएंगे नासिका से, नेत्रों से, कान से, रसना से, त्वक से, हमको भोगते चले जाएंगे। हमको हर घड़ी सावधान रहना है, कितना शरीर को भोगाना है साहब। और ध्यान रखिएगा, हर इंद्रिय की अपनी अपनी आयु है। जिस इंद्रिय का हम जितना उपयोग करेंगे उतनी जल्दी उसको बुढ़ापा आ जाएगी। इसलिए इसका समन्वय बना रहे। जिह्वा को कितना चलाना है, कान से कितना सुनना है। आप आवाज सुन रहे हैं ना,
ये आवाज़ आपके कान में धीरे से जाती है। क्यों? बॉक्सों में छोटा वाला बंद है, उसमें डीजे साउंड नहीं है, ये कथा का साउंड है, धीरे से आवाज कान में जाएगी। ये उतने खोला जाता है कि आपके कान को जाके प्रेम दे, डिस्टर्ब न करे, रिदम नहीं बढ़ने दिया जाएगा, आप शांत रहेंगे। अब यही पंडाल में कल वो बड़का वाला चौंगा लग जाए तो हम एक बे बोलो तब तीन बेर बोली। हम रा, रा, राम बोलेगा, ऐसे बोलेगा, कुल कथे है राजा। कान के पर्दे को मीठी आवाज चाहिए, इसलिए समझदार व्यक्ति मधुर बोलता है। नेत्र को कितना देखना है, आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे चश्मा का प्रयोग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। अब बात तो टेढ़ी है, बात बच्चों की नहीं है, माताएं विटामिन डी और ए का प्रयोग ही नहीं करती। संतान गर्भ में हो तो माताएं ऐसा नहीं खाएंगी ताकत मिले, माटी खा लेंगी। हाँ, सोना खाने का मन करता संतान गर्भ में अंक में हो तो सोना खा लेंगे, मूंगफली खा लेंगे जो नुकसान करती। जब ये स्मरण नहीं रहेगा, अरे संतान अंक में हो केसर पियो, केसर चंदन घिस के शुद्ध चंदन पियो, संतान गोरी होगी। केसर पिए तो सुंदर होगी। बादाम घिस के पियो, बादाम, चिनिया बादाम नहीं, मामरा बादाम, तो उसकी संतान की बुद्धि प्रखर होगी। अब जो सक्षम है उनको करना चाहिए, है नहीं अपनी गलती बच्चों पर, हम गलत गाएं आ इनसे कहें ठीक से बजाओ, तुहरा गावे कब तो नहीं कहते का ठीक से बजा दी। हम अपनी गलती बच्चों पर थोप देते हैं, हमने अपना अपना देखते नहीं। अरे माता पिता अपने को संयम में रखे, तप में रहे तो संतान में अपने आप ओझ उतरता है, अपने आप। हमको समा लेते हैं, कह दे डॉक्टर साहब कह दें तो बवाल कर देंगे, लेकिन आप, हम डॉक्टर नहीं है, हम तो मानस वैद्य हैं। मन को ठीक करना हमारा काम है, मन आपका ठीक रहे। ये नहीं कि ताकत वहीं से मिलेगी, अरे गाजर खाओ, मूली खाओ, टमाटर खाओ, घेवड़ा खाओ, ककड़ी खाओ, तमसा के बगल में फूट मिलेगा, फूट प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सामग्री खाओ, ये भी महंगी वस्तुओं से अधिक उपजाऊ, उर्वरा है, ताकतवर है, जो तुम्हारे पास है वो तो खाओ। साग कोई खाएगा नहीं, आलू को सब्जी सवेरे दोपहर या सांझ लो, आप घोटे ले रहे हैं, आलू में क्या रखा है कार्बोहाइड्रेट के अलावा। आप खाओ जो प्रकृति ने दिया, उसका उपयोग करो, शरीर में सुष्टता। पहले लोग पका के नहीं खाते थे, पहले लोग कच्चे खाते थे, मूली का उसकी जड़ भी, तना भी खाया जाता, उसका पत्ता भी खाया जाता है, कोई खाता ही नहीं, हम लोग तो खाते, दादाजी बनाते, 3 महीने से नहीं बनाए, बनाते चलो होटल बाजी कर रहे हैं। प्रकृति के साथ हम रहेंगे, बच्चों में शक्ति आएगी, क्षमता आएगी, करुणा भी आएगी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।